मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नूरपुर पहुंचने पर विधायक राकेश पठानिया ने जोरदार स्वागत किया। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार, ज्वाली विधायक अर्जुन ठाकुर, इंदौरा विधानसभा के पूर्व विधायक मनोहर दिमान भी इस मौके पर उपस्थित रहे। विश्राम गृह नूरपुर में उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार का 7 महीने का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। इन 7 महीनों में केंद्र सरकार से ली गई 6,000 करोड़ रूपये की परियोजनाएं लागू की गई है। विपक्ष की दिल्ली जाने और परिक्रमा करने वाले के सवालों का भी उचित जवाब मुख्यमंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि आज उन नेताओं के पास सवाल नहीं है जो विपक्ष में 5 वर्ष में भी रहकर कुछ नहीं कर दिखाए हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने मात्र 7 महीनों में करके दिखाया है। बरसात की कहर को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बरसात में सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार इस आपदा से निपटने के लिए सक्षम है। नशे के बढ़ते कारोबार और बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड सरकार के साथ संयुक्त कार्यवाही में काफी हद तक नशे के कारोबार पर लगाम लगाई जा रही है। भविष्य में भी इस तरह की कार्यवाही होती रहेगी। नशे को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सजग है। 7 महीने में करवाए गए विकास कार्यों के आधार पर जोरदार ढंग से विपक्ष को जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के एक देश एक चुनाव के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष के बयान का स्वागत करते हैं, एक देश एक चुनाव से देश के करोड़ों रुपए बच जाएंगे। 7 महीने का कार्यकाल बीता, लेकिन भाई और बहनों काम करते करते कई बार दिल्ली जाना हुआ, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ मिलना हुआ, प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ, राष्ट्रपति से मिलना हुआ, उपराष्ट्रपति जी से मिलना हुआ, केंद्र के वरिष्ठ मंत्रियों से मिलना हुआ, लगातार एक विषय को लेकर के हम बात कहते रहे कि हिमाचल को ज्यादा से ज्यादा मदद मिलनी चाहिए। और हमारे कुछ मित्रों ने इस बात को लेकर के कई तरह के व्यंग्य हम पर कसे कि दिल्ली जाते हैं मुख्यमंत्री और परिक्रमा करके आ जाते हैं। मुझे लगता कि आज उन नेताओं में से कोई भी नेता अब कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। मात्र 5-6 महीने के कार्यकाल में हम दिल्ली जाकर के लगभग 6,500 करोड़ रुपए हिमाचल के विकास के लिए ऐसे निकेल कैसे की क्या रणनीति रहेगी इनको दबाने? देखिए, मैं आपको बताऊं, उसमें ये बात ठीक है कि हमारा ये बॉर्डर एरिया जो पंजाब के साथ लगता है, वहां और सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, ये 2-4 महीने या 6 महीने का विषय नहीं है, ये बड़ा लंबे समय से एक नेक्सस जो है काम कर रहा है। और वैसे भी नशा ये पूरे हिमाचल का सिर्फ हिमाचल का विषय नहीं है, देश और पूरी दुनिया का विषय, लेकिन हमने कुछ अर्से से सख्ती की है और ज्वाइंट ऑपरेशन भी हमने ऑर्गेनाइज किए हैं दूसरी गवर्नमेंट के साथ। पंजाब ने कुछ अर्से से थोड़ी सख्ती की है क्योंकि पंजाब की परिस्थिति बहुत खराब है सारे देश से, और सख्ती करने के कारण थोड़ा एक बात जरूर हम इस बात करते कि थोड़ा जो है वो जो इस धंधे से जुड़े हुए लोग वो हिमाचल में प्रवेश करने की कोशिश की और कर रहे हैं, और उस दृष्टि से हमने कार्रवाई के दौरान जो है उसमें जो स्मगलर हैं, जब वो विदेशी हैं, नाइजेरियन, 2-3 अभी तक पकड़े गए, कल भी एक पकड़ा है, और उसके साथ साथ में जो बड़ा नेक्सस था उसको ब्रेक करने में हम सफल हुए। और उसके साथ साथ में बॉर्डर एरिया में हमने विशेष तौर से जो बैठक करके मीटिंग करके जो है उसमें सर्विलेंस का जो है हमने ये जो इसका दायरा बढ़ाया है, पुलिस को जितनी रिक्वायरमेंट स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से जो मांगी है तो वो भी हमने करने की कोशिश की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये फेज जो है वो थोड़ा सा इस तरह से रुक जाए, लेकिन उसके बावजूद ये समाधान नहीं है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को अगर नशा रोकना है तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन, ज्वाइंट अभियान हमको जो है दूसरे एडजॉइनिंग स्टेट के साथ भी मिलकर करना है। मैंने इस सिलसिले में हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी बात की,
मैंने इस सिलसिले में पंजाब के मुख्यमंत्री से हमारा चंडीगढ़ मिलना हुआ तो वहां पर मैंने विस्तार से बात की है। इसी सिलसिले में मैंने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से भी बात की, तीन स्टेट जो हमारी अडजॉइनिंग और जम्मू कश्मीर के साथ। तो जम्मू कश्मीर में डॉक्टर निर्मल सिंह जी से पहले बात हुई थी लेकिन अभी की परिस्थिति वहां की अलग तरह की है, लेकिन हमको इसमें ज्वाइंट ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सब कुछ मैं चिंता का विषय है और पिछले कुछ अरसे से जो है ये सारी जो दबिश ज्यादा हुई है इसलिए केसेस ज्यादा पकड़े गए हैं, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए लोगों को लग रहा कि बहुत ज्यादा। और मुझे इस बात की खुशी है कि कांगड़ा जिला में यहां पर ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत काफी हद तक काफी सफलता भी हासिल हुई है, बहुत सारी चीजें उसमें ध्यान में आई है, वो ऑपरेशन जारी है। पार्टी अध्यक्ष हमेशा वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इससे कितना इतफाक लगता है, आपको क्या लगता है इससे कितना फायदा होगा? देखिए सारे इसके लिए हम तो चाहेंगे कि अगर ये निर्णय हो जाए, लाखों करोड़ रुपए देश का जो है जो चुनाव पर खर्च होता है, बार बार चुनाव, फिर से चुनाव, उपचुनाव, ये सारी चीजें जो होती हैं उससे, हाँ ये सारी चीजें अगर जो हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर इस तरह की बात मंशा जाहिर की है तो उस मंशा के साथ हम भी साथ हैं।